हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा डे नंबर 3 ऑफ सीडीपी सीरीज और ये सीडीपी सीरीज हमारे सारे टेट एग्जाम के लिए है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। जो विकास है, डेवलपमेंट है, कुछ सिद्धांतों को फॉलो करता है, ये कुछ नियम है जिनके अनुसार जो है हमारा विकास होता है, तो इन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को ही मिलता है, तो ध्यान से समझना इसे। सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का नियम। इसमें क्या होता है कि ये बताता है विकास जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस भी की हुई है कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो वूम टू टोम चलता है यानी माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब्र में जाके रुकता है। जब तक किसी इंसान की सांस चलती रहेगी, चाहे बिल्कुल छोटा सा उसका हमें चेंज देखने को मिले, विकास देखने को मिले, लेकिन उसका विकास होता ही होता है। तो इसीलिए वजह से हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी के सिद्धांत नियम को फॉलो करता है, निरंतर है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है यानी क्या आजीवन चलता है। इसके अलावा इसी के अंदर कंटिन्यूअस के अंदर हमारे पास आ जाता है कि ये कहां से कहां तक चलता है, वूम से टूम चलता है, कहां से चलता है, वूम टू टूम चलता है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास सिद्धांत है वो ये कहता है रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब जो विकास है जिस गति से चलेगा वो समान नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सीखते ही जाओगे या फिर एक बार जो आपका शुरू हो गया तो सेम स्पीड से आपका विकास होता रहेगा। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बहुत जल्दी जल्दी फेस बदलता है। छोटा सा बेबी होगा, आप उसको 10 दिन बाद देखना, उसका चेंज मिलेगा फेस, फिर 10 दिन बाद देखना, आप बोलेगा ये तो और ज्यादा चेंज हो गया है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा सा होता है, इन्फेंट होता है यानी शेष अवस्था में होता है, शिशु होता है, उस समय सबसे ज्यादा विकास उसमें देखने को हमें मिलता है। फिर बच्चा जब चाइल्डहुड में आ जाता है यानी बाल्यावस्था में आ जाता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है विकास का प्रोसेस। फिर जब बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है तो फिर तेज हो जाता है और फिर स्लो हो जाता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि पूरे जीवन में जो विकास है वो एक सेम स्पीड से नहीं चलता है, समानता से नहीं चलता। तो इसी वजह से हम कहते हैं दूसरा जो नियम है हमारा विकास का कि वो समान स्पीड से नहीं चलेगा, इसका जो स्पीड है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसके बाद इसका तीसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो विकास है वो स्पाइरल है यानी सांप की तरह सेपिक है, इस तरीके से डेवलपमेंट चलता है, रेखिक नहीं है यानी लीनियर नहीं है कि एक ही लाइन में चलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा जो है सीख रहा है और बस सीखता ही चला जाएगा, कभी भी कुछ चेंज नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा क्या करता है, बच्चा कुछ चीज सीखता है, फिर उस चीज को सीखने के बाद वापिस पीछे हो सकता है, वो बैक हो जाए, फिर वो नई चीज सीखे, फिर बैक हो जाए। ये तो हो गया सीखने के साथ। और अभी जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि स्पीड क्या होती है, सेम नहीं होती है, समान नहीं होती आजीवन, इस वजह से हम कह सकते हैं ये स्पाइरल है यानी सांप की तरह घूमते हुए होता है। किस तरीके से होता है, जब बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ है, छोटा है, तो हम देखते हैं अचानक से उसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आता है, तो आगे की तरफ गया डेवलपमेंट, फिर वो डेवलपमेंट जो है विकास है थोड़े दिनों के लिए, कई सालों के लिए भी हम कह सकते हैं। जैसे जब बच्चा जब तक छोटा रहेगा बिल्कुल शेष अवस्था में है, डेवलपमेंट विकास बहुत तेजी से होगा, फिर जब तक बाल्यावस्था में कुछ सालों तक रहेगा फिर वो थोड़ा स्लो चलेगा, फिर अचानक से किशोर अवस्था में हमें और ज्यादा तेजी से हमें दिखाई देगा विकास, फिर स्लो हो जाएगा। इस तरीके से जो बच्चा है वो चलता ही रहता है, तो इस वजह से ये रेखिक नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, बल्कि सांप की तरह घुमावदार होता है। तो ये तीन प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, अभी हम सभी को डिस्कस करते हैं, इनको हटा देती हूँ, मैं इरेज कर देती हूँ। अभी हमारे जो आगे के डिफरेंसेस हैं इन्हें डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत मतभेद का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जो हर एक व्यक्ति है वो अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है। हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जो डेवलपमेंट, विकास का तरीका होता है वो अलग होता है। सभी यूनिक होते हैं तो सभी में विकास की जो प्रक्रिया है उसमें जो रिजल्ट आते हैं वो अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सभी बच्चे एक जैसा ही विकास हमें शो करेंगे। अगर कोई बच्चा है 5 साल की एज में कुछ और कर पा रहा है तो जरूरी नहीं है वो बच्चा जो दूसरा है वो भी सेम वही चीज करे।
हो सकता है किसी का सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ हो उस एज पे, लेकिन किसी का कम हुआ हो। हम ये कहते हैं कि सभी जो है डेवलपमेंट से गुजरेंगे, यानी सभी में लाइफ लॉन्ग आजीवन डेवलपमेंट विकास चलेगा, लेकिन उसकी गति, उसका जो तरीका है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो सब में भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ, जैसे ये मान लो कि आप जो हो अभी, आप ही अपने साथ वाले जो आपके बेस्ट फ्रेंड है उसको चाहे कंपेयर करके देख लो कि क्या जितना आपका समाजीकरण हुआ है उतना भी सेम उसका हुआ है, क्या आपका जितना इंटेलेक्ट है, आप जितना मानसिक रूप से विकसित हुए हो, जितना विकास हुआ है, कि आपके दोस्त का भी उतना हुआ है, सेम कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब क्या है, भिन्न है, हम सब यूनिक है अपने आप में। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, प्रक्रिया है विकास की, वो भी भिन्न ही मिलेगी, लेकिन फर्क बस इतना है कि हर एक एक बच्चा जिस अवस्था से दूसरा इंसान का बच्चा गुजरा है उससे गुजरता ही है। जैसे हम सब किसी ना किसी समय हम सब शेष अवस्था में थे, शिशु थे, वैसे ही हर एक एक जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान का बच्चा है, इंसान है, वो हर एक एक इस शेष अवस्था से जरूर गुजरा है। उसके बाद बाल्यावस्था में हम सब आए हैं, उसके बाद हम किशोर अवस्था में आए हैं, तो ये जो अवस्थाएं हैं इनसे सब गुजरते हैं, लेकिन जो स्पीड है, हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, भेद हैं, वो देखने को मिलते ही हैं। तो ये हमारा प्रोसेस यही कहता है। और इसके साथ ही आप दूसरा सिद्धांत जोड़ सकते हो, वो रहेगा सीक्वेंस का। ये दोनों मिलके क्वेश्चन में हमें देखने को मिलते हैं। हमें क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी क्या विकास एक सीक्वेंस फॉलो करता है, एक नियम फॉलो करता है या नहीं करता। सीक्वेंस का मतलब है कि एक फिक्स ऑर्डर फॉलो करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, हम सब में ये व्यक्तिगत मतभेद दिखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस फॉलो होता है, एक ऑर्डर फॉलो होता है विकास का, जो ये है कि जितने भी हमारे चरण होते हैं जीवन के, जैसे हमारा शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये सीक्वेंस हो गए, ऑर्डर हो गया डेवलपमेंट का, ये सेम रहता है सबका, इससे सब गुजरते ही है, तो ये सीक्वेंस सेम रहता है, लेकिन उस सीक्वेंस में भी हमें व्यक्तिगत मतभेद देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, वो ये कहता है कि डेवलपमेंट क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ये हमने बात पहले भी की है कि इसे जॉइंट प्रोडक्ट किसने कहा है, तो वो वुडवर्थ ने कहा है। उनका मानना ये है कि विकास क्या है, एक रेक्टेंगल के एरिया की तरह है, जहां पे लेंथ और ब्रेथ की जगह इन्होंने लिया है जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इनका मानना ये था कि विकास जो है वो तभी होगा बच्चे का जब हम दोनों चीजों को मिलाकर एक साथ यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे की आनुवंशिकता, वो सारे गुण जो उसे उसके माता पिता से, उसके पूर्वजों से मिले हैं, और कैसा उसे वातावरण मिल रहा है, ये सब कुछ मिलाकर जब इनका जॉइंट प्रोडक्ट होगा, इनकी गुणा होगी, तब जाके किसी इंसान का विकास होता है। और हमने ये भी देखा था यहाँ पे कि जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता होता है, ये स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है। आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, आपकी कितनी हाइट होगी, लगभग ये सारी चीजें हेरिडिटी डिसाइड करती है। आपकी मेच्योरिटी कितनी होगी, तो ये क्यों डिसाइड करता है, हेरिडिटी करती है। तो ये फिक्स रहता है, स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन जब वहां पे हम बात करें दूसरी तरफ इन्वायरमेंट की, वातावरण की, तो ये क्या होता है, ये डायनामिक होता है, यानी गतिशील होता है, तो ये बदलता रहता है। जैसे जैसे जगह बदलोगे वैसे वैसे आपका इन्वायरमेंट बदलता रहेगा। इसके बाद सिक्स हमारे पास कहता है जनरल टू स्पेसिफिक है, सामान्य से विशिष्ट है। हम कभी भी ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक चीज एक ही बार में सीख लेंगे, हम पहले जनरल चीजें सीखते हैं, तब जाके हमें कोई स्पेसिफिक चीज आती है। जैसे अगर आपने कभी ड्राइंग की हो तो आप देखोगे जब आप छोटे थे तो वही पहाड़ों तक हमारी सीमित रहती थी ड्राइंग, वो पहाड़ बना देते थे, एक झोपड़ी बनाते थे और बाद में एक रिवर बना देते थे, एक नदी सी हमारी तैर रही होती थी, तो वो हमारी एक सिंपल सी ड्राइंग थी, उसको हम जनरल ड्राइंग कहेंगे। लेकिन जब आप फिक्स एक स्पेसिफिक वे में किसी की तस्वीर हूबहू बना पा रहे हो, कोई चीज बिल्कुल स्पेसिफिकली करनी सीख गए हो, आपको किस तरीके से पेंसिल पकड़नी है स्पेसिफिकली, विशिष्ट रूप में कैसे आपको पेंटिंग बनानी है, तब वहां पे डेवलपमेंट कैसा है, जनरल टू स्पेसिफिक है। इसमें यह भी हमें देखने को मिलता है कि जो छोटा बेबी होता है, शिशु होता है, वो क्या करता है, पहले जनरल मूवमेंट करता है। आपने देखा होगा कि जो छोटा बेबी होता है उसके सिर के ऊपर हमें बहुत अच्छे से हाथ रखना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा भी इतना छोटा है कि वो खुद का सिर भी अपनी बॉडी को भी ठीक से बैलेंस नहीं कर पाता है, वो बस लेटा रहता है, तो उस समय वो जनरल है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो रोएगा तो हाथ पैर दोनों मारेगा, तो उसे पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका रोना जो होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, सिर्फ आंखों से आंसू आएंगे, ना कि वो हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है विकास। इसके बाद कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है।
पहले हम क्या करते हैं, मूरत चीजें सीखते हैं, फिर अमूरत सीखते हैं। जैसे जो छोटा नर्सरी क्लास का बच्चा होगा, आपने देखा होगा जब उसे गिनती भी सिखाते हैं, मान लो आपको उसे बताना ये तीन है, तो उसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसे या तो कोई चीज दिखानी पड़ेगी, या फिर उसको आप देखा होगा आपने ऐसे तीन स्टार बना के दिखा दिए बच्चे को, तीन कोई ऑब्जेक्ट बना दी, पिक्चर बना दी, तब वो गिनता है 1 2 3। तो ये क्या, उसे चीज दिखानी पड़ रही है, जिस चीज को वो देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, ऐसे उसे पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन अब अगर आप बड़े हो गए हो, आपने 10वीं क्लास में तो सबने मैथ्स पढ़ाई होगा 10वीं तक, फिर आप देखोगे सारे क्वेश्चन ही सपोज इफ से चलते हैं। आपको बोल देगा सपोज इफ यू हैव 10 बफेलोज। अब आप बताओ कि आपके पास 10 बफेलोज हैं, लेकिन हम उस चीज को अज्यूम कर पाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो हमें चीजों को कंक्रीट वे में, मूर्त वे में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम किस में आ गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आ गए हैं, हम चीजों को सोच पाते हैं, लॉजिक सोच पाते हैं। इसके बाद है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये तीनों एक जैसे मिलते जुलते ही हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में यही होता है, पहले हम सिंपल चीजें सीखते हैं और फिर हम मुश्किल चीजें करना सीखते हैं। जैसे सबसे पहले आपने 2+2 सीखा, फिर आप उससे और मुश्किल में गए 2×2 सीखा, फिर उससे मुश्किल में गए 2/2 सीखा। तो ये क्या, आप सिंपल से आप किस में जा रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स चीज में जा रहे हो। तो यही हमारे कुछ प्रिंसिपल है। इसके अलावा अब जो हमारे पास प्रिंसिपल आते हैं, वो मैक्सिमम हमें क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में, तो उन्हें और भी ज्यादा हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसे हम कहेंगे दिशा का सिद्धांत या दिशा का नियम। इसमें क्या होता है, ये जो डायरेक्शन का प्रिंसिपल है, दिशा का नियम है, सबसे पहले तो ये किसने दिया है ये पता होना चाहिए। तो ये दिया है कुप्पू स्वामी ने। किसने दिया है, कुप्पू स्वामी ने। इनका मानना यह था कि जब विकास होता है तो हमें दो प्रकार की दिशाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो इन्होंने है वो सेफेलोपोडल की बात की है, जिसे हम शीर्षगामी के नाम से जानते हैं, और दूसरी दिशा की इन्होंने बात की है प्रोक्सीमोडिस्टल यानी अधोगामी के नाम से, जिसे हम जानते हैं। तो इनका मानना यह है कि जो सेफेलोपोडल है ये हमें अपने अंदर देखने को मिलती है, यानी जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, उनके अंदर हमें सेफेलोपोडल देखने को मिलती है। अब सेफेलोपोडल को हम लॉन्गिट्यूडनल के नाम से भी जानते हैं, जो लंबी दिशा के अंदर चलती है। अब ये जो है नाम से ही क्लियर है, शीर्षगामी यानी जो सर से शुरू होगी और नीचे की ओर जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो इंग्लिश में सीईपी यानी कैप। कैप कहाँ पहनते हैं, सिर पे, तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। तो इसी वजह से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी यहाँ पे डायरेक्शन है जिसमें आपका हेड टू टो डायरेक्शन में हमें विकास देखने को मिलता है, तो हेड पे हम पहनते हैं कैप, तो वो होगा सेफेलोपोडल। या फिर आपको हिंदी में पूछ लिया जाए कि शीर्ष से लेकर के हमारे पैरों तक जो विकास का सिद्धांत है वो कौन सा है, तो है शीर्षगामी, ठीक है। इसके अंदर हमें यही देखने को मिलेगा, सबसे पहला बच्चा क्या करेगा, अपने सिर के ऊपर कंट्रोल लाएगा, धीरे धीरे अपने सिर को यहाँ पे बैलेंस कर पाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर वहां पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, विकास देखने को मिलेगा। सर के बाद वो क्या करेगा, बैठना स्टार्ट करेगा, हाथों के ऊपर कंट्रोल आएगा, इस तरीके से उसके अंदर विकास देखने को मिलेगा। दूसरी ओर जो प्रोक्सीमोडिस्टल है, प्रोक्सीमोडिस्टल होता है इनटू आउट, यानी इसके अंदर हमें सेंटर से आउटवर्ड, अंदर से बाहर की ओर विकास देखने को मिलता है। अंदर से है ये, इसीलिए हम कैसे ऐसे अंदर होता है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये अधोगामी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आम से हमारे हाथ है, बाजू है। तो इसमें क्या है, जैसे आम से हमारी बाजू है, बाजू के बाद किसमें आएगा, हमारे हाथों में कंट्रोल आएगा, हाथों के बाद उंगलियों में आएगा। लेकिन इसमें क्या था, इसमें पहले हेड में आ रहा था फिर नीचे की ओर जा रहा था, ठीक है। तो ये जो है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैंने आपको बता दिया है सेफेलोपोडल हमें ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। तो ये दोनों किसने दिए थे, कुप्पू स्वामी ने दिए थे। और ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तो उसकी जो रिस्ट होती है, उसकी जो कलाई होती है, अगर उसका एक्सरे किया जाए तो उससे हम लगभग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे की हाइट कितनी जाएगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजीज की हेल्प से या फिर बहुत ज्यादा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से हम कुछ हद तक डेवलपमेंट को, विकास को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसीलिए एक और यहाँ पे प्रिंसिपल सिद्धांत ऐड हो जाता है, जिसको आप कह सकते हो भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप लिख सकते हो यहाँ प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो आप ऐसे लिख लेना, 10th नंबर पे आप इसे लिख सकते हो। अब ये हमारे लास्ट कुछ सिद्धांत रहते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। 11th जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैच्यूरेशन, इंपॉर्टेंट है ये एंड लर्निंग। ये किसका सिद्धांत है, मैच्यूरेशन यानी मैच्योरिटी का, और अधिगम यानी लर्निंग का।
तो ये कहता है कि जो हमारे अंदर मेच्योरिटी आती है, किस तरीके से हमारी लर्निंग होती है, कितनी होती है, ये भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है विकास के ऊपर। तो इसका बहुत ज्यादा एक नियम सा बन गया है कि इसके बिना जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो सकता। तो दोनों ही क्या है, एक सिद्धांत की तरह काम करते हैं, मेच्योरेशन एंड लर्निंग। अब रही बात मेच्योरिटी की, तो मेच्योरिटी क्या है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर किसका पड़ता है, हमारी आनुवंशिकता का पड़ता है, हेरिडिटी का पड़ता है। इसके बाद जो हमारी मैच्योरिटी है उसे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई क्लास नहीं लेनी पड़ती मैच्योरिटी की। मैच्योर होने के लिए किसी बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता जाता है और मैच्योर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी निरंतर है, चलता ही रहेगा आजीवन डेवलपमेंट की तरह। लेकिन मैच्योरेशन क्या है, लिमिटेड है। हमें पता है लगभग 25 साल तक सभी में मैच्योरिटी आ ही जाती है। और जो लर्निंग है इसे हमें स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें खुद से एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, तभी हम कोई चीज सीख सकते हैं, हमारा अधिगम हो सकता है। लेकिन अगर हम मैच्योरेशन की बात करें, हमें कोई एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने एक्सपीरियंस से डेली लाइफ से ही वो चीजें सीख जाते हैं और हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। ये कहता है आप जो भी चीजें सीखते हो, जैसे आपका विकास हो रहा है, चाहे हर एक एक तरीके से, किसी भी तरीके से हो, एक्सपीरियंसेस से हो, आप एफर्ट्स डाल के यहाँ पे अपना विकास कर रहे हो जैसे लर्निंग के दौरान, तो ये जो चीजें हैं इनका एकीकरण किया जाता है, यानी इनका इंटीग्रेशन होता है, ये सभी मिल जाती हैं, तब ओवरऑल आपका विकास कंसिडर होता है। तो इसके अंदर यही होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी भी चीज को पार्ट्स बाय पार्ट सीखा, यानी पार्ट्स बाय पार्ट्स के अंदर हमारा विकास हुआ है, लास्ट में वो कंप्लीट मिल जाएगा, तब जाके हम बोलेंगे जब ये मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तब एकीकरण का वहां सिद्धांत काम करता है। जैसे अभी आपको समझ में आएगा इंटर रिलेशन में, इंटर रिलेशन का मतलब होता है अंतर संबंध। इसमें क्या होता है, हमने देखा था डेवलपमेंट में सारे के सारे एस्पेक्ट आते हैं, डोमेन आते हैं, चाहे फिर वो आपका इमोशनल भावनात्मक हो, सोशल हो, इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी आपका डोमेन हो, तो जब सब मिल जाते हैं, सबका क्या करते हैं, एकीकरण कर देते हैं, तब जाके आपका विकास होता है। और सब में क्या होता है, अंतर संबंध होता है, सारे रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो क्या है, बहुत ज्यादा उसकी फीलिंग्स कहीं हर्ट हो रही हैं, या फिर वो ठीक से स्टेबल नहीं है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो बच्चा क्या है, ठीक से क्लास में यहाँ पे ध्यान भी नहीं लगा पाएगा, जिससे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो नहीं होगा डेवलप। इसके अलावा कोई बच्चा जो फिजिकली परेशान है, उसको चोट लगी है, कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, उस समय भी बाकी के जो फैक्टर है उसे इफेक्ट करेंगे। तो ये आपस में सारे जुड़े हुए हैं, इनमें आपस में संबंध हमें देखने को मिलता है। और रही बात ग्रॉस टू फाइन की, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वही है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले जो हमारी ग्रॉस बड़ी मसले होती हैं, जैसे हमारा हाथ हो गया, जैसे हमारे पैर हो गए, तो पहले हमें इनकी मूवमेंट हमें करने आती है, फिर जाके हम अपनी उंगलियों को ठीक से उनको क्या कर पाते हैं, ग्रिप बना पाते हैं। जैसे किसी बच्चे के हाथ में अगर पेंसिल देंगे, वो किस तरीके से करेगा, अगर ये पेंसिल हम किसी बच्चे को दे देते हैं तो वो इस तरीके से पकड़ लेगा जो छोटा बच्चा होगा। आपने देखा होगा नर्सरी के जो टीचर होते हैं, एलकेजी यूकेजी के, वो बच्चों को ठीक से पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। वो क्यों, क्योंकि अभी उनकी ग्रॉस मोटर डेवलप हुई है, जो उनकी बड़ी मसले हैं अभी वो उनका ही यहाँ पे यूज कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसे पकड़ना सिखाते हैं, तो क्या होता है उनकी फाइन जो मोटर स्किल्स होती है, यानी जो उनकी छोटी वाली मसल होती है, उन्हें कैसे यूज करना है, उनका विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे, विकास के सिद्धांत थे, सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।